वैसे मेरी पिक्चर में काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी पिक्चर का नाम है सेक्स ऑन द बीच. टाइटल बहुत बोल्ड है, अडल्ट फिल्म नहीं है लेकिन फिलहाल काफ़ी अच्छी है पिक्चर. नेवर्थलेस आई एम स्टिल डाइंग टू वॉच द अदर फिल्म क्योंकि बहुत कुछ सुना बाकी फिल्मों के बारे में एंड दे रियली इंटरेस्टिंग स्टोरीज सो लुकिंग फॉरवर्ड टू. क्या 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 बॉडी का आपने काफी वर्कआउट किया है? मैं तो हमेशा वर्कआउट करता हूँ. इस फिल्म के लिए खास तौर से नहीं, बिल्कुल नहीं. नहीं, बीच के सीन्स है तो थोड़े से ऐसे सीन्स होंगे जिसके लिए आपको और प्रिपेयर होना पड़ा. आपको मैं तो हमेशा शर्ट उतारने के लिए तैयार हूँ लेकिन हम लोग बीच पे शूट किया तो इसलिए मेड इट मच मोर इजी फॉर माय कैरेक्टर टू वॉक अराउंड विद आवर शर्ट. तो मैं तो हमेशा फिट हूँ. ओके, मेरे प्रीमियर्स होते रहते हैं ऐसे, आप देखते तो हर दो हफ्ते बाद कोई बड़ी फिल्म आती है तो प्रीमियर्स पे कोई खास तरीके के आज आपने कपड़े से रखे हैं जो आपने आज पहने हैं? अगर कोई भी प्रीमियर है इट्स ऑलवेज गुड टू ड्रेस फॉर्मल. तो इसलिए जब भी मैं किसी का भी प्रीमियर के लिए जाता हूँ ऑलवेज ड्रेस फॉर्मल. तो इसलिए आज भी फॉर्मल पहन के आए हैं. और आपकी पोनी रेल के बारे में पूछा था शाहरुख के बाद, अब आपने भी पोनी रेल इसने पूछा शाहरुख के सिक्स पैक, अभी आप पूछ रहे शाहरुख के पोनी रेल. लेकिन आप बताइए ना क्या लगता है अमिताभ के बाद शाहरुख के बाद अब आप? बिल्कुल सही, ठीक है चलो, ये तो अच्छी बात है. वैसे शाहरुख तो बादशाह है. जैसे मेरा बाल लंबा है ऑलरेडी, आई एम ग्रोइंग माय हेयर, आई वांट टू डू अ न्यू लुक. लेकिन किसी फिल्म की तैयारी है? नहीं, एक नई पिक्चर की तैयारी कर रहा हूँ और बाल ऐसे बढ़ रहा है मेरा तो मैंने सोचा आज बांध के रखे हूँ. किसने बोले ये सर? नहीं, ये एक गलत फहमी है. ओके, आपकी फिल्म के बारे में पूछना चाहेंगे कि 10 मिनट्स की फिल्म में कितना लगता है, कितनी फिल्म यानी बाकी सब फिल्मों की इससे कितनी अलग है? नो डाउट सारी फिल्में एक दूसरे से बहुत अलग है. बिल्कुल, लेकिन हर फिल्म में एक खासियत है, एक स्पेशल कहानी है. तो मेरी कहानी भी काफ़ी अच्छी है, एक इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी. ज़्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि 10 मिनट की पिक्चर है, अगर एक मिनट भी बोलूंगा तो पूरी पिक्चर निकलेगी. सो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, यू वॉच इट, इट विल बी इंटरेस्टिंग. ओके, थैंक यू.